अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मज़हर मेव। फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी फॉलो कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम पीएसएल पॉइंट्स की फुल डिटेल डेली अपडेट करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की रिपोर्ट क्या है, आज किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं और कितने मैच विन किए हैं। दोस्तों, ये पहले नंबर पे है करांची किंग्स, कल मुल्तान सुल्तान थी बदल के, कल से पहले पहले मुल्तान सुल्तान ही पहले नंबर पे थी, अब ये करांची किंग्स पहले नंबर पे है। इसने तीन मैच प्ले किए हैं, तीनों ही वॉन किए हैं, कोई मैच लूज़ नहीं किया, कोई इसने ड्रॉ नहीं किया और 6 पॉइंट हैं इसके और इसका रन रेट है 0.875। और दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान अब आ गई हैं, इसके तीन मैच इसने प्ले किए हैं और दो इसने वोन किए हैं, एक इसने लूज़ किया है, कोई इसका ड्रा नहीं है और चार इसके पॉइंट हैं, इसका रन रेट है 0.498। तीसरे नंबर पर जो टीम है वो है पेशावर ज़ल्मी, इसने तीन मैच प्ले किए हैं, एक वोन किया है, दो लूज़ किए हैं, कोई ड्रा नहीं है, दो इसके पॉइंट हैं, इसका रन रेट है 0.342। चौथे नंबर जो टीम है उसका नाम है कोयटा ग्लेडिटर्स, इसने दो मैच प्ले किए हैं, एक विन किया है, एक लूज़ किया है, कोई ड्रा नहीं है, दो इसके पॉइंट हैं, इसका रन रेट है 0.653। पाँचवें नंबर पर जो टीम है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसने दो मैच प्ले किए हैं और इसने एक मैच विन किया है और एक इसने लूज़ किया है, कोई ड्रा नहीं है, दो इसके पॉइंट हैं, इसका रन रेट है -0.349। छेवें नंबर पर लाहौर कैलेंडर है जो कि बहुत ही मशहूर टीम है और बहुत ही नाम इसने कमा रही है इस पीएसएल में, इसने तीन मैच प्ले किए हैं और तीनों ही लूज़ किए हैं, कोई मैच भी विन नहीं किया, बहुत अच्छी बात है भाई लाहौर, शाबाश। और ज़ीरो ड्रा है और इसके पॉइंट्स भी ज़ीरो हैं, इसका रन रेट है -2.031। फ्रेंड्स, मैंने इन पॉइंट्स की आपको डेली डिटेल देनी होती है तो इसलिए मैंने इन पार्ट्स के ना इन वीडियो को मैंने पार्ट्स बना दिए हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, तो आज ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको पता चले कि पार्ट वन हमने देख लिया, आज पार्ट टू देखना, आज पार्ट थ्री देखना, आज पार्ट फोर देखना, उनमें यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, ये तीस पार्ट जो थ्री है इस, ये मैंने कल अपलोड किया था, आप लोगों ने कुछ ने तो देखा भी होगा, किसी अल्लाह के बंदे ने उस वीडियो पे स्ट्राइक लगा दी है, कॉपीराइट स्ट्राइक, जबकि वो कॉपीराइट वीडियो नहीं है, मैंने खुद बनाई है और उसमें कॉपीराइट का कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई है। तो फ्रेंड्स, मैंने मेल की हुई है यूट्यूब वालों को, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस वीडियो को ओपन कर देंगे, लेकिन खैर अगर वो वीडियो अपलोड नहीं भी होती तो आप इस वीडियो में आपको कल की वीडियो की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कल वही सेम पॉइंट्स से कल की वीडियो में भी, कल बस ये आज मैच करांची किंग और लाहौर कलंदर का हुआ है, इनके पॉइंट्स में बस फ़र्क हैं, बाकी तो वो सेम वही है। तो भाई, आपके भले के लिए ही, आपके फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ऐसा ना किया करें यार, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, तो प्लीज़ यार आप मेरे साथ भी ऐसा ना करो। और मेरी ये वीडियो को, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, सॉरी, अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद फिर एक बात भूल गया, मैं एट बॉल पूल गेम खेलता हूँ, अगर आप लोगों को लोग में से कोई भी एट बॉल पूल गेम खेलता है, उसका शौकीन है गेम खेलने का, तो मुझसे फ्री कोइंस ले सकता है, 3 लाख मैं डेली फ्री कोइंस देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।